लगातार आती है। जैसे ही वो अनुलोम विलोम भी करते हैं तो या तो नाक बंद हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा छींके आने लगती हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? छींक के लिए तुम में से किस किस को छींक आती थी? छींक तो दो तो इन्हीं को आती थी, अर्चना और जो है काजल को। छींक, आंखों से आंसू, सब बंद हो गया। दो तो ये एग्जांपल बैठे हैं, चार ही दिन में बंद हो गया। एक तो ये पॉइंट है, ये जो है ना, ये पॉइंट दबाएं रिंग फिंगर के ऊपर, और काली मिर्च और बादाम वो खा ले सुबह उठते ही। और नाजुक प्रकृति है तो चारों के, तो इनको तो सिर में दर्द भी था और राइनाइटिस भी था। नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन, और थोड़ा कम है तकलीफ तो अणु तेल, थोड़ी ज्यादा है तो षडबंधु तेल, और बहुत ज्यादा है तो जो है ये जो यहाँ पर फेस्टिना बैठी है, सरसों का तेल। कितने बार डाला था? दिन में 3-4 बार डालती थी। बहुत ज्यादा था तेरे को? ज्यादा था। और मैं सीतोपला दी और जेठी मत का चूर्ण लेती थी साथ में, सेहत के साथ। जेठी मत ये गुजराती नहीं छे, एटले जेठी मत कैसे, यष्टि मधु बोलते हैं उसको, मुलेठी। मुलेठी का पाउडर लेती थी और सरसों का तेल और प्राणायाम। तो ये हाथ में दबाए तो छींक वाली स्वामी जी का परमानेंट सॉल्यूशन है। बेटी को भी हो गया था एलर्जी? अच्छा, सरसों के तेल से मालिश किया, नाक पर भी, सर में भी। अब ठीक है महक? मुझे अब ठीक लगता है। गाय के पी का नशे। स्वामी जी देखिए, जो योग ग्राम पहुंच गया है वो तो पूरी तरह से सेहतमंद होकर अपने घर लौटेगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग ग्राम तक नहीं आ पाते हैं और वो इंडिया टीवी के जरिए ही आपसे अपने सवाल पूछते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। तो अब जरा कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी आपकी इजाजत के साथ, उनको भी ले लेते हैं जी। स्वामी जी, ध्रुव चांद का सवाल है, ले लो, अपनी ले लो, बेटी के लिए वो जानना चाहते हैं। और उनकी बेटी 6 साल से नाक की एलर्जी है उस बच्ची को, और जल नेति करती है लेकिन जल नेति के बाद सिर में दर्द होने लगता है और नाक से भी पानी कम निकलता है उसको। तो ये परेशानी इस बच्ची की दूर कीजिए आप। तो जल नेति के बाद एक तो कपालभाति किया जाता है, याद रखें। जल नेति में नाक से पानी खींचा नहीं जाता है, ये हमने सैकड़ों बार करके दिखा दिया इंटरव्यू में। दाएं नाक में लगा दो, बाएं से अपने आप निकल जाएगा। ऐसे थोड़ा सिर झुका के रखो ऐसे, और मुंह खोल के रखो। मुंह से श्वास लेना, नाक से नहीं लेना। एक तो नाक से सांस नहीं लेना, एक बात। दूसरी खास बात ये है कि जिनको भी ये बहुत ज़्यादा कफ एलर्जी है, अभी हमने सारे घरेलू उपचार बहुत कुछ बता दिया है, इसमें इतना और विशेष कर लें, सरसों का तेल, षडबंधु तेल, अणु तेल या बादाम रोगन डालने के साथ साथ एक वाष्प बताते हैं दिव्य धारा, हमने कई बार बताया है, भीमसेनी कपूर, अजवाइन सत, पीपरमिंट, ये समान मात्रा में लेके, इसमें थोड़ा लौंग का तेल और थोड़ा यूकेलिप्टिस का तेल, ये इसको सूंघ लें थोड़ा, इससे इसकी वाष्प भी ले लें, इससे अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा जिनको कफ एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, दूध में थोड़ा हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ले ले। आज हम एक चाय भी बताने वाले हैं जी जी, वो जो है अलसी की चाय पिए। वो चाय आज अलसी के बीज को भून करके, लास्ट में हमने आज ये भी प्रोग्राम रखा है जी, कि अलसी की चाय पिए। अलसी में थोड़ा तुलसी और अदरक और डाल दे, तो घर में अलसी की चाय तुलसी अदरक के साथ पी ले। और दिव्य पेय मैंने बोला था, दिव्य पेय जो है स्वामी जी ये भी बनाना आप सिखाइएगा। कुछ और सवाल भी हम ले लेते हैं। तो बहुत ज्यादा होने पर जी जी।